हेलो फ्रेंड्स, मैं सुंदरम कुमार। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जैसा एक न्यूज आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है और उसका कुछ प्रूफ हजारीबाग झारखंड में 200 स्टूडेंट की गिरफ्तारी पेपर और न्यूज में भी खासकर दिखाया जा रहा है। और कुछ मुझे पेपर का कटिंग भी आया मेरे व्हाट्सएप पर, जो मैं आपको बोर्ड पर लगा दूंगा और आप देखेंगे कि आंसर शीट उसमें है, ठीक है, हाथ से लिखी हुई। अगर ये बात सही है तो उन सभी मेहनती विद्यार्थी के लिए सबसे बुरी खबर है। और मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कीजिए और जो पेपर लीक किया है उसकी ऐसी कठोर कार्रवाई कीजिए कि दोबारा कभी ऐसा हिम्मत ना करे। बीपीएससी जैसे संस्था को ये बदनाम किया गया और बीपीएससी कार्यालय या कहीं भी अगर कोई भी जो इससे मिले हुए कठोर कार्रवाई किया जाए। और आप सभी स्टूडेंट से भी कहेंगे आप इस पर आवाज़ उठाइए। अगर कोई चैनल पे वीडियो बना रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। कोई भी वीडियो अगर इस मैटर पे बना रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले तो उसको इतना शेयर करिए कि गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जानी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट नहीं सुनेगी और आप लोग एकता नहीं दिखाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ आप आंदोलन करिएगा, दबा दीजिए दिया जाएगा, अगर आप कुछ करिएगा तो आप पर केस कर दिया जाएगा। आप कुछ भी करिएगा ये सरकार गवर्नमेंट और बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सबके बारे में पता ही नहीं रहता है। वो आएंगे और कहेंगे मुझे पता ही नहीं है, और जब तक उनको पता चलेगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पे अधिक से अधिक वीडियो का भी शेयर कीजिए और उन सभी टीचर को भी कहेंगे जो हजारों करोड़ों रुपया यहाँ इस टीआरई में कमाए हैं। आपका बच्चा 2 नंबर 1 नंबर से छूटने वाला है, आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए। मैं सचिन सर को थैंक्स कहना चाहूँगा पर्सनली, मैंने उनका वीडियो देखा और उसने आवाज़ उठाए, मुझे अच्छा लगा। आप सभी मिलकर इस पर वीडियो अधिक से अधिक बनाइए। पेपर लीक सबसे बड़ा कैंसर की तरह है।